मार्ग में एक सूत्र में बांधती है। लेकिन और देशों में जाइए तो अजीब अजीब लोग काम करते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि इनको मालूम नहीं ये कौन है। जैसे बाल सब काट लेंगे, कहीं यहाँ से तुर्रे निकाल लेंगे, कहीं कुछ अजीब से कपड़े पहन लेंगे, कहीं कुछ समझ में नहीं आता। औरतें आदमियों जैसे कपड़े पहनेंगे, आदमी औरतों जैसे कपड़े पहनेंगे। वो सोचते हैं ये सब करने से वो कोई विशेष हो जाए। उससे कोई विशेष क्या होना है, ये तो सिर्फ पागलपन है। और वो भी ऐसा पागलपन कि अब क्या करें और कैसे अपने को स्थापित करें कि हम कोई चीज़ हैं। यहाँ तक है कि जो देश बहुत समृद्ध है, ऐसे देश जो कि हम कहते हैं स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, और इस तरह के जो देश हैं, वहाँ के जो जवान लोग हैं, जवान क्या 40-40 साल के तक लोग वहाँ पर आत्महत्या करें। इतना पैसा है, सब कुछ है, आप आत्महत्या क्यों करें? वहाँ से लोग आते हैं कभी कभी लंदन में मुझे मिलने, तो मुझे कह ले माँ ये बताओ कि हमारा मन करता है हम आत्महत्या करें। हमने कहा क्यों? कह ले जीना किस चीज़ के लिए, हमें क्या करना है, जी करके क्या करना है? ये तो सभी लोग इस तरह से जी रहे, हम ऐसा जीना नहीं चाहते। हमारा क्या महत्व है, हमारी क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा हम मर जाना चाहते। जहाँ की ये चरम सीमा पर पहुँच गया है ऐश्वर्य, जहाँ लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत कुछ आ गया, अब हमें नहीं चाहिए, बहुत हो गया, तभी ये तत्व हमारे अंदर जागृत होता है, जहाँ हम खोजते हैं। और खोजने का जब तत्व शुरू हो गया, उसे हम कहते हैं कि यही अब एक साधक होगा। ऐसे बाहर बहुत ज़्यादा साधक है, इसमें कोई शक नहीं, पर यहाँ से आपने बहुत सारे गुरुओं को एक्सपोर्ट कर दिया, उनको खा रहे पी रहे, उनको बेवकूफ़ बना रहे। लेकिन आप हिंदुस्तानी, आपको सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान वास्तव में एक महान योग भूमि। हाँ, हमारे यहाँ देशद्रोही बहुत है, हमारे यहाँ खराबियाँ बहुत है, लेकिन बहुत कहने पर भी अगर देखा जाए तो फीसदी परसेंटेज उसका बहुत कम। और ये लोग सब ठिकाने लग जाए, इसकी जो महत्ता वो सोचनी चाहिए कि इस देश में बड़े बड़े संत साधु हो गए, और वो जो कह गए हैं वो सिद्ध करने के लिए आप आए हो। आप आज जिस संसार में जो आए हुए हैं, आपको वो चीज़ सब प्राप्त होने वाली है जो जो आपको अभी वचन दिया गया, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। देशद्रोहियों को भूल जाइए, गलत लोगों को भूल जाइए, दुष्टों को भूल जाइए, उनका तो कोई इलाज नहीं। नामदेव ने कहा है कि दुष्ट होता है और दुष्ट रहता है, उससे दूर ही रहना चाहिए। खा के जैसे मक्खी है, मक्खी अगर किसी खाने पर बैठ जाए तो उल्टियाँ करो, और कहीं गलती से मक्खी खा ली वो मर भी जाएगी तो भी आपको मार डाली। इसी तरह से दुष्ट लोग होते हैं, उनसे मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब उन लोगों से है कि जो सर्वसाधारण समाज में अच्छे लोग हैं और जो समझ नहीं पाते कि वो ज़िंदगी में क्यों है। बहुत से लोग इसलिए भी खराब हो जाते क्योंकि उनको कोई सहारा नहीं रहता। अपना ही सहारा हमें खोजना, हमें किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, आप ही अपने गुरु होने वाले, आप ही को अपना मार्गदर्शन मिलने वाला है, और उस मार्गदर्शन में चलते चलते आप समझ जाएंगे कि आप हैं क्या, आप कोई कम चीज़ नहीं, विशेषता एक मानव स्वरूप है, और आप पैदा हुए इस भारत भूमि पर जो एक महान योग भूमि है। मेरा विश्वास करिए कि महान योग भूमि है ये, इसके जर्रे जर्रे में चैतन्य भरा हुआ है, इसके कण कण में चैतन्य भरा हुआ है। और जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आज जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं, ये पृथ्वी कितनी महान है, और इस महानता के जो आप एक उसमें नागरिक हो गए हैं, इसका कारण आपने भी कुछ बहुत पुण्य कर्म किए हैं, नहीं तो यहाँ जन्म होना आसान है। उसी वक्त परीक्षा के लिए भी बहुत से दुष्ट लोग भी पैदा होते हैं, कोई हर्ज नहीं, जितने भी दुष्ट आ जाएं, जब आप जागरूक हो जाएंगे तो उनकी दुष्टता ही सामने नज़र आ जाए, वही दुनिया के सामने गिर जाए। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, ये असलियत है, और ये सब कुछ आपके अंदर है। आप कहेंगे कि माँ आप तो बड़ी अजब बातें कर रही हैं, सारी दुनिया ही अजब हो जाती है जब आप एक बार आत्मदर्शन पा लेते। सारे संतों को आप समझ लेंगे, सारी जो जो बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी हैं और देखी हैं और पढ़ी है, वो सारे नज़र आने लग जाएगा। अभी तक तो आप सिर्फ शब्दों के जालों में फंसे हो, एक तरह का ऐसा व्यक्तित्व आपका बन जाएगा कि दुनिया देखकर हैरान होगी कि अरे ये तो कल का वो आज इसको क्या। ये जो अनुकंपा है,
इसका आज तक किसी ने उपयोग ही नहीं किया, इस शक्ति को किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। आज तक प्रेम की शक्ति किसी ने इस्तेमाल नहीं करी, कुछ ना कुछ भेद करने की शक्ति कि चलो कुछ नहीं तो तुम ये अलग हो, तुम अलग हो, तुम इनसे लड़ो, तुम उनसे लड़ो। पर प्रेम की शक्ति में सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब एकजुट एक साथ बन जाते हैं। आज आप जानते हैं कि सहयोग 65 देशों में बहुत ज़ोरों में चल रहा है, और पता नहीं है तो लोग कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा देश है, लेकिन जो बहुत ज़ोरों में सहयोग चल रहा है 65 देश है। और इन 65 देश के हर एक सहयोगी आपके अपने नज़दीक हैं। जैसे ज्ञानदेव ने कहा है, तेची सोयरी को होती, वही आपके रिश्तेदार हो जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि कहाँ से सब जुट गए मेरे, ये सब मेरे रिश्तेदार कहाँ से जुट गए। जो असली रिश्तेदार, उनको आपके प्रॉपर्टी से मतलब नहीं, आपके पर्स से मतलब नहीं, सिर्फ आपके प्यार से मतलब। इस प्यार की दुनिया में उतरना ही बहुत ज़रूरी है। जब तक इस प्यार की दुनिया को नहीं जानेगा, आप अपना भी महत्व नहीं समझ सकते कि आप कितने महान हैं। इस प्यार की जो शक्ति है उससे आप सारे संसार को समेट सकते, क्योंकि आपके अंदर एक नई चेतना जागृत होती है, और उस चेतना को हम सामूहिक चेतना कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिससे कि आप दूसरों को महसूस कर सकते। जैसे कोई आदमी आपके सामने आ जाए, वो तबीयत, अभी जैसे ये महाशय आए थे, फौरन मैं समझ गई इनको क्या तकलीफ, पर वो मचलने लग गए, आफत करने लग गए, नाटक करने, कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझ गई इनको क्या तकलीफ है, और वो तकलीफ़ ठीक हो सकती है यहाँ मचलने से नहीं, सहयोग करने से। सहयोग करें तो उनकी तकलीफें सारी दूर हो जाए, लेकिन वो यहाँ नाटक करने आए थे, करने दें, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा जब आपकी कुंडलिनी जागृत होकर के आपको इस परम शक्ति से एकाकारिता दे। मेरी बातचीत भाषण से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा सिर्फ इस घटना से, इसको एक्चुअलाइजेशन कहिए, इसका साक्षात होना चाहिए। जब इसका साक्षात होगा तभी आपको अपना भी साक्षात होगा, और आप समझ लेंगे कि आपको मैं जो बात बता रही हूँ वो एकदम बिल्कुल सत्य है। इस पर ये जान लेना चाहिए कि ये सब होने के बाद आप परमात्मा के साम्राज्य में आते। परमात्मा का साम्राज्य पूरी तरह से आलोकित है, और उसका कार्य इतना सुंदर और इतना मज़ेदार होता है। जिस तरह से नाटक खेलते, उस तरह से उनके साम्राज्य में ये परम चैतन्य जो है ये कार्यान्वित होता है। इससे बढ़ के होशियार, इससे बढ़ के प्रेममय, और इससे बढ़ के एफिशिएंट जिसको कहना चाहिए, और कोई भी शक्ति नहीं। इसके बारे में जितना भी बताऊं उतना कम है, पर मैं कहूंगी कि आप इसका अनुभव करें। इसका अनुभव आपको मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, इसे आप प्राप्त करें। कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए, बम्बई शहर में आज सालों से मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, पर यहाँ के लोग अभी भी उनका चित्त जो है उस और नहीं है जहाँ इसे खोजना चाहिए। उनका चित्त और जगह, इसलिए चल भी चल रही थी, पर जहाँ जहाँ इसमें चित्त लोगों का लगा हुआ, और जिन्होंने सोचा है कि इसको प्राप्त करना ही पहली बात और उसके बाद देखा जाएगा बाकी, वो लोग बहुत गहरे उतरते, और उनको अनेक लाभ हुए, अनेक लाभ हुए। और ये लाभ से भी बढ़ के सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप आनंद के सागर में डूब जाते। हिंदुस्तान में तो इतना नहीं, फिर बाहर आप रास्ते पे चले तो ऐसा लगता है कि ये लोग किसी स्मशान भूमि से लौट रहे हैं। ऐसी शक्लें गिरी हुई, ऐसे दुखी लोग, कभी मैंने उनको हंसते देखा नहीं। ये जो दिमाग में बात बैठी हुई है कि हम बड़े दुखी हैं और हमारे अंदर बहुत सारी विनाशकारी शक्तियाँ कार्यान्वित हैं, ऐसे दिमागी दिमाग खर्च से ही ये लोग दुखी, पर ऐसी कोई बात नहीं। ये सब समझते ही नहीं कि हमारे अंदर छिपी हुई अनंत की शक्ति जो है, उससे नहीं कि हम खुश हो जाएंगे, पर आनंद के सागर में डूब जाएंगे। आनंद अकेला अपने जगह एकमेव है, उसमें सुख और दुख जैसी चीज़ है, सिर्फ आनंद।
और आनंद में आप मग्न हो जाते, आनंद में आप मस्त हो जाते। इसलिए कोई सी भी तरह की दिखने वाली विपत्ति जिसे लोग बहुत बड़ी विपत्ति समझते हैं, कुछ भी नहीं, चुटकी से ठीक हो सकती। ये सारी शक्तियाँ आपके अंदर हैं और ये शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, उपास तपास करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पिछली मर्तबा भी यहाँ प्रोग्राम हुआ था, बहुत से लोग आए थे और बहुतों ने इसे प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद भी मैं कहती हूँ, इस बार पहली मर्तबा मैंने देखा कि बम्बई के अखबारों ने कुछ तो अच्छा लिखा, नहीं तो वो तो हमेशा ही उल्टा सीधा लिखते थे। पहली मर्तबा अखबारों के दिमाग खुले और उन्होंने लिखा कि बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किए और बहुत लोगों को अनुभूति। उसके बाद बहुत से लोग आए भी और अब भी हम लोग एक पूरी तरह की व्यवस्था किए हुए हैं कि ये होने के बाद भी जैसे कोई चीज़ अंकुरित हो गई तो इसको आगे बढ़ाने के लिए भी हमारे पास यहाँ सेंटर्स हैं। ये ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन लेक्चर हो गया उसके बाद आपको पैसा देना, बिल्कुल पैसे से कोई मतलब। आप जाइए और अपने को एक वृक्ष के समान वृद्धिंगत करिए, बढ़ाइए। ये बहुत आसान चीज़ है, उसके लिए पैसा कौड़ी देने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, अब जैसे यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पैसा दिया गया होगा या कुछ और चीज़ों को दिया गया होगा, वो दूसरी बात है। पर आपके आत्म साक्षात्कार और आपका आत्मोत्सर्ग, अपने आत्मा के जो प्रकाश है उसको अपनी चेतना में बढ़ाने के लिए आपको कोई पैसा देने की, वो तो अपने आप ही बढ़ता है। इसीलिए ये अत्यंत शुद्ध जो आपके अंदर चीज़ है वो है आपकी आत्मा, इसे आप प्राप्त करें। आज तक वो एक साक्षी स्वरूप होकर ही बैठे हुए थे, देख रहे थे, अब वो आपके चित्त में आ जाए और उसको आते ही आपकी उत्क्रांति की जो आज स्थिति मनुष्य की है वो अति मानव की स्थिति में पहुंच जाए। ये बिल्कुल झूठ बात नहीं है और ये होने का समय आ गया है। इसमें हो सकता है कि अगर कोई आपको बीमारी हो या कोई आपके दिमाग में और फितूर हो या कोई गुरु ने आपकी थोड़ी कुंडली नहीं खराब की हो सकता है कि आज ही जागृति न हो, कोई हर्ज नहीं। पर आज तक मैंने देखा नहीं कि सहयोग में कोई आया हो और वो कहता हो कि नहीं हुई कोई चीज़। एक दो बार आपको आना पड़ेगा सेंटर्स पे, वो सेंटर्स भी हमारे सीधे साधे हैं क्योंकि हमने कोई पैसे तो लिए नहीं है, तो बहुत सीधे साधे जगह किसी स्कूल्स में या कहीं जैसे भी सेंटर्स बने हैं, आप कृपया पधारें और पधार कर इसे प्राप्त करें। अपने आत्म साक्षात्कार का पूरी तरह से मान रखना, ये आपको आपके लिए बाध्य बंधी। ये अगर आपने मान नहीं रखा अपना तो कौन आपका मान रखेगा? जिसने अपने आत्मा ही का मान नहीं रखा उसका कैसे मान हो सकता? पर अगर आपने अपने आत्म साक्षात्कार को मान्यता दी और नम्रता पूर्वक इसे स्वीकार किया तो ये चीज़ ज़रूर घटित होगी और घटित होकर के आप स्वयं को पाइएगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब ये कहना है कि किस तरीके से आपको बुलाया जाए, किस तरह से आपको पाचारण किया जाए, आमंत्रण दिया जाए, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। जैसे कि कुछ कुछ शहर ऐसे हैं कि जहाँ बगैर बुलाए ही हज़ारों लोग आ जाते, बगैर कुछ कहे ही सहयोग में आते। लखनऊ जैसे शहर में जहाँ लोग खाना पीना मौज करना ही जानते हैं, वहाँ हज़ारों लोग सहयोगी हो गए। 30 IAS ऑफिसर एक ही बार में गए, सहयोगी हो गए। यहाँ कोई IAS ऑफिसर आएगा क्या? मुश्किल काम। ऐसे ही करेला नीम चढ़ा, बम्बई शहर की हवा ही कुछ ख़राब है और इस ख़राब हवा में कोई सी भी चीज़ होती है वो बड़ी मुश्किल से होती है। पर तो भी आप समझ लीजिए कि आप इस बम्बई शहर के रहने वाले नहीं, आप उस शहर के रहने वाले हैं जहाँ हर समय आनंद की वर्षा होती है। बस वहाँ आपका स्वागत है, आप लोग आइए और इसे प्राप्त करें। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। अब कुंडलिनी के जागरण का कार्य, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ लोग घड़ी ज़्यादा देखते हैं। इस वक्त घड़ी ना देखें और जिनको नहीं लेना हो वो कृपया चले जाएं, क्योंकि इस पर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, तो कभी नहीं। आपकी कुंडलिनी स्वयं ही ऐसे उद्दाम इंसान की कुंडलिनी कभी नहीं खड़ी।
इसलिए नम्रतापूर्वक इस चीज़ को प्राप्त करें। और जैसे ही आपने नम्रतापूर्वक इस चीज़ को मांगा है, आपकी अपनी ही शक्ति आपको मिल जाए। इसका डिस्कशन या इसके बारे में विचार करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें तो विचारों से परे जाना। इस वक्त विचार करने से ठीक नहीं है। आपको ये भी नहीं कि आप विचारों को रोकिए, कुछ नहीं मैं कह रही, पर अपने आप आपके विचार रुक जाएंगे। इसलिए कृपया सिर्फ मन में ये इच्छा रखें कि ये हमारे साथ घटित होना है, और हम चाहते हैं, शुद्ध इच्छा हमको यही है कि हम अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। बसून घ्या इकडे, जागा आहे, उभं राहून होणार नाही, कृपा करून जरा आगे आ जाइए, तो लोग भी बैठ जाएंगे। देखिए, भारतवर्ष की कमाल ये है कि हिंदुस्तान में 10 मिनट में जागृति होती, और परदेश में तो मेरे हाथ टूट जाते हैं, घंटों जागृति नहीं होती, पर जब होती है तो जमते अच्छे हैं। क्योंकि अपने देश में कोई चीज़ अगर सस्ती मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तो उसकी कोई कदर नहीं। अगर हम कहीं पहाड़ पे जाके बैठे और आपको चढ़ के आना पड़े, और वहाँ आप परेशान होकर के कम से कम 2 घंटे परेशान रहें, तब कहीं आप सोचेंगे कि हाँ भाई इतना पहाड़ चढ़ के आए, कम से कम कुछ करो। लेकिन बात यह है कि आजकल का ज़माना जो है, ये बहुत समय नहीं देता, इसलिए ये सहज में ही जल्दी घटना होने वाली, इसकी ज़रूरत है। इतना ही नहीं, परम चैतन्य स्वयं चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सब लोग पार हो जाए। ये एक परमात्मा की इच्छा ही है जिसके कारण ये कार्य इतने जल्दी हो रहा और इतना सुगम है। पर तो भी अपनी पूरी इज्जत करना, अपने आत्म साक्षात्कार का मान रखना, ये बहुत ज़रूरी। अगर किसी को अभी नहीं हुआ तो भी हमारे यहाँ सेंटर्स हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे, वो कृपया लिख लीजिए, और आप देखेंगे कि इसके बाद आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप शांत हो ही जाएंगे और हल्कापन आ जाएगा। उसके बाद भी इन्होंने एक संगीत रखा है बहुत अच्छा, ऐसी एक सहयोगिनी है जैसे आप भी आपने औरों का भी सुने, उसी प्रकार जिसने सहयोग में बहुत कुछ पाया है, उनका गान होगा, आप देखेंगे कि वो गान आपको बहुत अंदर से आनंददायी, आह्लाददायी। अब आपको मैंने कहा है पहले इस एक दो उसमें शर्तें हैं। पहले तो शर्त ऐसी है कि आप अपने बारे में कोई भी न्यून बात ना सुने। माने आपको कोई लोग कहें आप पापी हैं, आपने पूर्वजन्म ये कर्म करे वो भोगो, ये ऐसी कोई बात सहयोग में नहीं। जब आप हमारे सामने आज बैठे हुए हैं तो आप हमारे बच्चे हैं और आप पूर्णतया शुद्ध हैं। ये धारणा हृदय में होनी चाहिए कि न तो आप पापी हैं, न ही आप में कोई न्यूनत्व है। आप दोषी नहीं, बिल्कुल भी दोषी नहीं। जो लोग सोचते हैं कि हम दोषी हैं और हमने गलती की, हमें कैसे होगा, इस तरह की भावना लेते हैं, उनका ये चक्र यहाँ पकड़ जाता, और इस चक्र के पकड़ने के कारण आपको अनेक बीमारियाँ हो सकती है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, अंजाइना है, और शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी बिल्कुल आलसी हो जाते, लिथार्जिक हो जाते। इसलिए ऐसी चीज़ जो कि हो चुकी, गलती हो गई होगी, उसको आज लेकर बैठने की क्या ज़रूरत है? इस तरह की मिथ्या चीज़ को लेकर के आप अपने को दुख कर दे रहे हैं, तो मेहरबानी से आप अपने को माफ़ कर दीजिए। अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त होना चाहिए, अपने प्रति एक आदर। मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं आपका आदर करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, इसी प्रकार आपको भी अपने साथ आदर का ही भाव रखना चाहिए, और उसी तरह से प्रेम का भाव। तो प्रसन्न चित्त होकर बैठे। दूसरी बात जो कहने की है वो ये कि जैसे आप अपने को क्षमा करते हैं, आप दुनिया भर को क्षमा करते हैं।
क्योंकि आप दूसरों को क्षमा करिए या ना करिए, आप करते कुछ नहीं वैसे देखा जाए तो। लेकिन हम इस मामले में कुछ विचार ही नहीं करते कि क्यों हम किसी को माफ़ नहीं करते। जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं तो हम अपने को छलते रहते हैं, और जिसको माफ़ करना होता वो तो आराम से बैठा हुआ। इसलिए सबको एक साथ माफ़ कर देना है, ना उनके बारे में सोचना है, क्योंकि उनके बारे में सोचना भी एक बड़ा भारी सरदर्द है। इसलिए कृपया सबको एक साथ आप क्षमा करें, सबको एक साथ आप क्षमा करें। जब आप सबको एक साथ क्षमा कर देंगे, आपको आश्चर्य होगा कि आपको बहुत अंदर से हल्कापन आए, बेकार का बोझा आप ढो रहे हैं। इसलिए सब दुनिया को आप एक साथ क्षमा करें, उससे बड़ा फायदा होगा। उससे ये जो चक्र आपका आज्ञा चक्र है, ये इस तरह से बंधा हुआ बिल्कुल संकीर्ण है, इसके अंदर से कुंडलिनी जा ही नहीं सकती, लेकिन माफ़ करते ये खुल जाता है, और खुलते ही साथ इसमें से कुंडलिनी आसान है। इन दो चक्रों के कारण बहुत बार जागृति नहीं होती, इसलिए मैंने आपसे विनती की है कि आप अपने को क्षमा करके ये चक्र को खोल दें, और सबको क्षमा करके ये चक्र थोड़ा सा भी खुल जाए ठीक है, फिर कुंडलिनी खुद ही से खोल देगी, नहीं तो उसको लड़ना पड़ेगा, उसको आकर के धक्के देने पड़ेंगे। इसलिए उसका कार्य सरल होने के लिए, सहज होने के लिए आप इतनी दो चीज़ें करिए कि आप अपने को माफ़ करिए और दूसरों को माफ़ कर दीजिए मन से, हृदय से। दूसरी बात है कि बेहतर है आप अपने चप्पल जूते उतार दें और ज़मीन पर, क्योंकि इस ज़मीन की महती मैंने आपको बताई है, पैर रखें। जो लोग ज़मीन पर बैठे ठीक है, पर चप्पल जूते उतार लें तो अच्छा। अब मैंने आपसे कहा था कि इन पांच उंगलियां, छह और सात यहाँ चक्र हैं, और यहाँ पे छह सात चक्र हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस एंडिंग्स हैं। तो दोनों हाथ इस तरह से आप मेरे और, दोनों हाथ बहुत से लोग कहते हैं कि मेस्मरिज्म, अगर मेस्मरिज्म से आदमी अगर इतना अच्छा हो जाता तो कोई बुरी बात नहीं, किंतु मेस्मरिज्म में लोग आँखों से आँखों में डाल के करते हैं। मैं तो आँख बंद कर लेती हूँ, और आप भी आँख बंद करेंगे, दोनों हाथ मेरी ओर, अब सर को थोड़ा नीचे झुका करके लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, और सर के तालु भाग जो है, जिसको मराठी में टाड़ू मनता है, और दूसरा ये कि इसको तालु में, जो कि हमारे बचपन में एक बहुत स्निग्ध सी हड्डी थी, उसके ऊपर अधांतरी ऊपर छूते हुए नहीं राइट हैंड रखें, सर झुका लें और देखें कि इसमें से, इस ब्रह्मरंध्र में से ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या। शंका नहीं करने की, इस वक्त देखिए एक पत्ती नहीं हिल रही कहीं, लेकिन अगर आपके सर से आ रही। अब मेरे और राइट हैंड, और सर को झुका लें, और लेफ्ट हैंड से देखें कि इस तालु भाग से, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया अंग्रेजी में कहते हैं और अध्यात्म में ब्रह्मरंध्र कहते हैं, देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या। जैसे आदि शंकराचार्य ने वर्णन किया है, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी। अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, और राइट हैंड फिर से तालु में रखें, कभी आगे होता है कभी पीछे होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा आती है तो दूर तक आती जेट के जैसे, कहीं पर से भी ठंडी या गर्म हवा लहरियों जैसी, चैतन्य लहरियाँ निकलती हुई अपने ही तालु से नज़र आ रही है।
अब दोनों हाथ मेरी ओर, फिर से किया जाए। और अगर ये इसमें से गर्म हवा आ रही थी तो इसका मतलब ये है कि आपने माफ नहीं किया अपने को या दूसरों को, आपने माफ नहीं किया। इस वक्त आप मन से कहो कि मैंने सबको माफ कर दिया, मन से। अब देखिए हाथ में ठंडी या गर्म हवा आ रही है। अब आप मेरी ओर देखिए और निर्विचार हो जाइए, विचार मत करिए, आप कर सकते हैं अगर आप शंका न करें, प्रयत्न करें निर्विचार होने का। अब दोनों हाथ आकाश की ओर और सर पीछे कर और एक प्रश्न पूछे तीन बार, सर पीछे करके आकाश की ओर देखें। आप मुझे माँ कहिए चाहे श्री माता जी कहिए, श्री माता जी ये परम चैतन्य है क्या, ऐसे तीन बार प्रश्न करें। अब ठंडी ठंडी हवा अगर आने लग गई तो तीन बार कहिए कि यही परम चैतन्य है। तीन बार। अब हाथ नीचे कर, अब फिर से मेरे और दोनों हाथ करके और निर्विचार हुई। किसी किसी को नीचे से ठंडी हवा आएगी, उसको उठा के और ऊपर ले आए। अब जिन लोगों के हाथ में, उंगलियों में, तलवे में या ब्रह्मरंध्र से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो लोग सब हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ। सारे बंबई के जितने लोग आज यहाँ हैं और बाहर से आए, सबको मेरा नमस्कार। अब आपका संतों जैसा जीवन शुरू, कोई चीज़ छोड़ने की नहीं, क्योंकि कुछ आपने पकड़ा ही नहीं, ऐसी दशा हो जाएगी। मेरा आप सबको अनंत आशीर्वाद। पर अभी बीज अंकुरित हुआ, इसके वृक्ष होने चाहिए। अगर आप लोग इतने जहाँ जो जम हैं, अगर एक वृक्ष के रूप में हो जाए तो एक एक आदमी न जाने कितने दीप जला सकते, और इसी से सारा विश्व बदल सकता है। मैं सारे विश्व के परिवर्तन की बात कर रही हूँ। आशा है आप लोग इसमें सहकार्य देंगे और अपनी तो उन्नति करिएगा, पर इसके साथ और भी लोगों की और देशों की भी उन्नति करिएगा। आपको पता नहीं है कि सारे विश्व में लोग आपको सबसे ऊंचे लोग समझते हैं अध्यात्म में, और वो खुद ही यहाँ आपके चरणों में आएंगे, समझेंगे कि ये भारतीय हैं। जब तक हमने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया, हम भारतीय नहीं। भारतीय होने की सबसे बड़ी बात है कि आत्म साक्षात्कार की इच्छा, और आजकल के ज़माने में इसे प्राप्त करना। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद।